देखिए 17D क्वेश्चन नंबर 9th, AOC इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। नोट कर लीजिए, एक छोटी सी बात नोट कर लीजिए, 5 मिनट लगेंगे बस, क्लास खत्म है, नोट कर लीजिए। यार अगर ये डायमीटर है तो ये जो एंगल है ना, ये 180 डिग्री होगा। मेरी बात समझ आई? तो डायमीटर स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री बनाती है, इस साइड भी 180 डिग्री है और ये जो बाजू है, ये बाजू भी 180 डिग्री है। टोटल एंगल सर्कल का सेंटर पे 180 डिग्री होता है। मित्रों को डाउट? 360 डिग्री होता है। मित्रों को डाउट? मतलब अगर ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, तो ये जो एंगल है ये 180 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है ये भी 180 डिग्री है। भाई इसमें कोई डाउट तो नहीं? ये सर्कल्स का पूरा चैप्टर क्लास 10th में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख। शांति। ओके, तो अगर AOC डायमीटर है तो ये एंगल तो हमें समझ आ गया कि ये तो 180 डिग्री है। मित्रों कोई डाउट है? ओके, तो AXB जो है, ये वाले, ये जो AXB है, ये BYC, BYC मतलब ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, BYC, इसका हाफ है। कहने का मतलब ये जो आर्क है ये इस आर्क का हाफ है। भाई कोई डाउट है क्या? अब एक थ्योरम हमने की थी, आपको याद नहीं होगी, बट बेसिकली वो थ्योरम आपको ये कहने की कोशिश कर रही है कि यार ऐसा है कि जो आर्क की रेशो होती है ना, वही एंगल की रेशो होती है। नहीं समझ रहा? आर्क की लेंथ की जो रेशो होती है, वही रेशो वो आर्क जो एंगल बनाती है सेंटर पे, उसकी रेशो होती है। मित्रों नहीं समझ में आ रहा? अध्यापक अपने आप से बातें कर रहा है, दुकान खोल के टीवी के सामने बात कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा? इसका मतलब क्या हुआ? ये अगर इसके हाफ है, हाँ ये अगर इसके हाफ है तो ये जो एंगल होगा ना वो इस एंगल के हाफ होगा। तो अगर ये 2 थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। नहीं समझ में आया? अब कई बार जनता ऐसे भी लिखती है कि ये थीटा होगा तो ये थीटा बाय 2 होगा, बट मुझे ना ये कंफ्यूजिंग लगता है। इससे सिंपल ये है कि अगर ये 2 थीटा होगा तो ये थीटा होगा। नहीं समझ में आया? तो 2 थीटा प्लस थीटा, ये टोटल जो एंगल है, टोटल जो एंगल है 2 थीटा प्लस थीटा, टोटल जो एंगल है भाई वो तो 180 डिग्री के हो गए, इक्वल हो गया। तो थीटा किसके इक्वल होगा? 60 डिग्री के। नहीं समझ में आया? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, बहुत बढ़िया, ये 120 डिग्री का बेटा, ये हो गया 60 डिग्री का। नहीं समझ रहा? तो फाइंड BOC, BOC ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का, और ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री का। अगर आप मेरी बात माने तो ये 17D के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, 17C के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, सिर्फ थीटा निकालने होते हैं, बहुत सिंपल है। 17A के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इजी हैं, 17A के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इजी हैं। जो टेढ़े क्वेश्चंस बेटा बनते हैं, वो टेढ़े क्वेश्चंस बनते हैं थोड़े से 17B के, बट 17B के भी जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको करा दिए गए हैं। उल्टे सीधे जाके काम करोगे, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 से जाके भिड़ गए कि नहीं मैं तो यही करूंगी, या क्वेश्चन नंबर 10 से जाके भिड़ गए, तो मूर्खता है। मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि जो इजी वाले टॉपिक्स हैं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उन्होंने कोई ओलंपियाड का क्वेश्चन नहीं डालना, ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ये उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। मित्रों नहीं समझ रहा? ये क्वेश्चन आने की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है, बट आप सुखी जी ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 कर रही हैं कि मैं तो यही प्रैक्टिस करूंगी, तो बेवकूफ हो यार। जब यहाँ पर आपको आसान आसान क्वेश्चन फर्स्ट क्लास 17A आपको करा दी गई है, 17C
के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, 17D के एक क्वेश्चन छोड़ के करा दिया गया है, तो आप पे डिपेंड करता है ना। मंडे के टेस्ट में भी जो क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं सर वही पूछे जाएंगे आपसे, कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है जी, श्रेया जी मीटिंग बंद कर रहा ओके सर। हूँ। श्रेया जी एक सेकंड, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है यहाँ पर। भाई सैटरडे को क्लास नहीं है, मंडे को क्लास है, आज नोटिस भी भेज दिया गया है, मंडे को क्लास है, ट्यूसडे को नहीं है।